सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूब हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक ट्यूब हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फेसबुक स्टोरी को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे इंस्टाग्राम ऐप को, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम स्टोरी पर फेसबुक स्टोरी से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टिकर, म्यूजिक वगैरह के। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक करना है। तो इस पर हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है कि इंस्टाग्राम स्टोरी को फेसबुक पर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है, इसके बाद आपको ऊपर कोने में दिख रहे कैमरे के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको गैलरी के आइकन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अपना कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फोटो पर तरह तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टिकर वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी फ़ोटो पर स्टिकर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ म्यूजिक आपको टेक्स्ट वाले भी मिल जाएंगे जिनमें म्यूजिक तो चलेगा ही, साथ ही उसमें ये टेक्स्ट भी साथ साथ चलेंगे, तो इन्हें भी आप अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आपको GIF का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप तरह तरह के लाइव स्टिकर या कह सकते हैं GIF अपनी फ़ोटो पर लगा सकते हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन अभी तक फेसबुक में नहीं ऐड किए गए हैं, आने वाले समय में शायद अपडेट के ज़रिए ये ऑप्शन फेसबुक में भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सब करने के बाद सिंपली आपको सेंड टू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो स्टोरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके आगे जो शेयर का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक होगा तो जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी है वो आपकी फेसबुक स्टोरी पर भी शेयर हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी थी वो सेम टू सेम हमारे फेसबुक स्टोरी पर भी शेयर हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।